पता नहीं प्रिया कितनी देर में पहुंचेगी, कितनी देर हो गई है। अरे आ जाएगी, क्यों परेशान हो रही है तू भी? मैं तो सोच रही थी आई मिलेगी मुझे, पर यहाँ देखा तो आ गया होगा कोई काम। अब तुझे तो पता है उसकी सास और नंद की आदत का, उसका तो यहाँ आने में भी पूरी महाभारत ही होती है। मजाल है बेचारी, खुशी खुशी कभी एक बार भी घर आई हो तो यहाँ पे, हर बार कुछ ना कुछ। वो तो दामाद जी हैं जो उस बेचारी का थोड़ा साथ दे देते हैं, नहीं तो उस बेचारी का तो उस घर में जीना ही मुश्किल हो जाए। हाँ मम्मी, सच में कई बार तो ना मुझे भी इतना गुस्सा आता है ना, पता नहीं क्या कर दूँ। उसकी ना हिम्मत है अपनी सास और नंद को हैंडल करने की। वैसे माँ बेटी दोनों फ़ोन पे बात करती रहेंगी मेरे से और कहती रहेंगी कि प्रिया ना ढंग से कोई काम नहीं करती है, लेकिन ज़रा यहाँ आ जाए फिर देखो दोनों माँ बेटी को, फिर दोनों माँ बेटी के घर में काम करने में जान निकल जाती है। सास के फिर घुटनों में दर्द हो जाएगा और बेटी के सिर में, फिर वो काम इतना हो जाएगा कि दोनों से नहीं निपटता। वैसे प्रिया कुछ करती नहीं है, उसकी सास तो मुझसे भी कहती रहेगी कि मैं और मेरी बेटी लगे रहते हैं सारा दिन काम में, वो तो एक काम करने लग जाए तो पूरा दिन उसी में निकाल देती है। मेरी तो ना मम्मी ये समझ में नहीं आता कि वैसे तो कोई बहू है ना अपने ससुराल में काम करती नहीं है, है? और करे भी तो सास है ना यही बोलती है कि घर में काम ही कितना होता है, और यही जब बहू बाहर चली जाए घर से तो उस सास के लिए वो काम इतना हो जाएगा कि सारा दिन काम करते करते निकल जाता है, फिर वो थक के भी चूर हो जाएगी। वैसे बहू कुछ करती नहीं है मम्मी, है ना कई बार तो ना सही में मेरी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं जब मैं प्रिया से बात करती हूँ ना, और जब वो अपनी बातें बताती है सही में इतना गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है मुझे तो। अब सोच मेरे दिल पे क्या बीतती होगी, उसके सपने थे आसमान में उड़ने के, उसी के ससुराल में पंख कट गए बेचारी के, खाने पीने पहनने ओढ़ने घूमने फिरने का उसे तुझसे भी ज़्यादा शौक था, पर किस्मत देख बेचारी की। हाँ मम्मी, पहनने से याद आया, अब की बार है ना मैंने प्रिया के बर्थडे पर ना एक सूट भिजवाया था, उसे ना मेरा सूट बहुत पसंद आया था, बहुत तारीफ कर रही थी उसकी, सोचा अब मौका है तो है ना उसके बर्थडे पे भिजवा दूँ, तो मैंने भिजवा दिया। वैसे तो बेचारी का कोई बर्थडे विश भी नहीं करता घर में, मनाता तो दूर की बात है। मैंने बोला है उसे पहन के आएगी, आप देखना बहुत सुंदर है। दीदी, मम्मी, अरे कहाँ रह गई थी तू, पता मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। बस दीदी वो तुम दोनों बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। मैंने तुझे कहा था ना कि जो मैंने सूट दिया था वो पहन के आना, पहन के क्यों नहीं आई? बस दीदी वो ये ले बेटा। ठीक है ना बेटा तू? हाँ मम्मी ठीक हूँ। हाँ बता क्यों नहीं पहन के आई, पसंद नहीं आया तुझे? नहीं दीदी बहुत अच्छा था, पर क्या? अरे तू आते ही क्यों पीछे पड़ गई है इसके? अरे मम्मी पूछ ही तो रही हूँ बस। मैं चाय बनाने जा रही हूँ इसके लिए, तुझे पीनी है तो बता मैं और बना दूंगी। हाँ ले लूंगी, बना लो। ठीक है। दीदी आपने जो वो सूट भिजवाया था ना वो मेरी नन ने ले लिया, उसे पसंद आ गया था तो। अरे वो मैंने तेरे लिए दिया था, वो तेरा बर्थडे गिफ्ट था, क्यों दे दिया उसे? मैं क्या करती, मेरी नन पीछे ही पड़ गई, बोली नहीं मुझे सूट चाहिए, मैंने मना भी किया, फिर पूरे घर में कलेश ही करवा दिया उन्होंने, फिर माँ भी पीछे पड़ गई कि एक सूट ही तो है, दे नहीं सकती, क्यों मरे जा रही एक सूट के पीछे। इन्होंने भी मम्मी जी को समझाने की कोशिश करी कि इसकी बहन ने इतने मन से दिया है, पर माँ बेटी कहाँ सुनने वाली थी। हार के मैंने सूट दे ही दिया। दीदी एक बात कहूँ, आप है ना मुझे सामान मत दिया करो, ये माँ बेटी मेरे पास कुछ सामान नहीं छोड़ती। अरे ये भी कोई बात हुई भला, तुम मना नहीं कर सकती थी कि मैंने दे रही अपनी चीज? नहीं मना कर पाती दीदी,
बहुत सोचती हूँ कहने की, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। देख बहन, हिम्मत तो तुझे लानी पड़ेगी, आखिर कब तक सहती रहेगी तू उन्हें? देख, ऐसे तो माँ बेटी दोनों टॉर्चर करती रहेंगी और तू टॉर्चर होती रहेगी। तो आप ही बताओ क्या करूं मैं? तुझे ना कहना सीखना होगा। हाँ, ना कहना सीख, क्योंकि जब तक तू ये ना कहना नहीं सीखेगी ना, वो लोग कभी नहीं बदलेंगे। वो दबाते रहेंगे और तू दबती रहेगी। एक दो बार तो होगा कलेश, और वो तो होता ही है ना, एक दो बार और सही, लेकिन जब तू ऐसा करेगी ना, वो अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। दीदी, शायद आप सही कह रहे हो, हिम्मत तो मुझे खुद ही लानी पड़ेगी, जवाब तो मुझे खुद ही देने पड़ेंगे। जो होगा देखा जाएगा। ये हुई ना बात, तू जुटा हिम्मत और तू ये कर सकती है। बड़ी बहन ने प्रिया से जो भी ये बातें कही, क्या वो सही हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।